Hello friends, welcome back to my channel, Healthy Recipes Barahu, and thanks a lot for your love and support. So आप देख सकते हैं इस टाइम पोल्यूशन का क्या हाल हो रखा है. मैं बाहर खड़ा हूँ और बिल्कुल हर जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन दिख रहा है. इट्स बिग स्मॉग दैट्स देयर. इस पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस में या इस पर्टिकुलर पोल्यूशन में ना तो हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना हम साइकिलिंग कर सकते हैं, ना कोई और आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं. तो जो इकलौती चीज़ हम कर सकते हैं वो है अपनी डाइट पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं टू सेव आरसेल्व्स फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ दिस हाई पोल्यूशन. तो आज की जो रेसिपी हम बना रहे हैं, जो भी हमारे घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, उन्हीं को कंबाइन करके विल बी मेकिंग अ रेसिपी दैट विल हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट दिस पॉल्यूशन. सो लेट्स चेक आउट द रेसिपी फॉर टू. सो हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, पहला इंग्रेडिएंट 1 टोमेटो लिया है यहाँ पे मैंने. सो टोमेटो जो है वो लाइकोपीन से लोडेड होता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रेस्पिरेटरी इलनेस. उसके बाद में हमने एक अनियन लिया है यहाँ पे, अनियन प्याज. तो प्याज के अंदर बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमें हेल्प करता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से डील करने. उसके बाद में हमने यहाँ पे चिकपीज लिए हैं, दैट इज़ वाइट चने, इसको हम ग्रबैंजो बीन्स भी बोलते हैं. तो जो चिकपीज हैं वो मैग्नीशियम रिच होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारी एयरवेज को ओपन अप करने में और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर करने में. उसके अलावा प्रोटीन्स से भी लोडेड होता है, विटामिन सी से लोडेड होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है और विटामिन B6 भी होता है. प्लस इट्स लोडेड विद फाइबर एज वेल. ये हमने अराउंड हाफ कटोरी ऑफ चिकपीज लिया है जिसे मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था और इसे हल्का सा बॉयल कर लिया. उसके बाद में मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, दैट इज़ कोरिएंडर या फिर इसको सिलेंट्रो भी कहा जाता है. सो ये एक नेचुरल हर्ब है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से रिच है और ये हमें काफ़ी हेल्प करता है एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन से डील करता है और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है. इसके साथ में मैंने यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स लिए हैं. फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से लोडेड है, प्लस इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमें हेल्प करता है एनी टाइप ऑफ एस्थमा या एलर्जिक रिएक्शन से डील करने में. यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है, दैट इज़ अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ पनीर. उसके बाद में मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है. ऑलिव ऑयल विटामिन ई से लोडेड होता है जो कि इम्प्रूव करता है हमारे लंग्स के ओवरऑल फंक्शन को. सो दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स. इसके साथ में मैंने यहाँ पे पीनट्स यूज़ कर रहा हूँ, ये नॉर्मल हल्दीराम वाले पीनट्स यूज़ कर रहा हूँ. अगर आप चाहें तो कोई भी नट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं. नट्स आर रिच इन विटामिन ई एंड दैट एनेबल्स अस टू ओपन अप आर एयरवेज एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन. सो दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स. इसके साथ में अगर आप चाहें तो गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, प्लस जिंजर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे मैं, प्लस ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं. वो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग फॉर चिल्ड्रन एज वेल. और उसके साथ में आप ये एक सैलड बना के इसको वाइट वाइन या ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा इस पर्टिकुलर पोल्यूशन लेवल से डील करने. प्लस आप चाहें तो थोड़े से फ्रूट्स भी अपने ऐड कर सकते हैं जैसे कि ऑरेंजेस, पपाया, एप्पल, बनाना. ऑल दीज फ्रूट्स आर वेरी हेल्पफुल टू डील विद दिस पोल्यूशन लेवल. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रेसिपी नाउ. सो अपनी रेसिपी स्टार्ट करने लगे हैं. तो सबसे पहले जो वाइट चने थे डाल रहा हूँ एक बाउल में, इसके साथ में अनियन, प्याज क्योंकि छोटा छोटा काट रखा है मैंने, टोमेटो, टमाटर ऐड कर दिया इसमें मैंने, ये 1 स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ. सो इसके बाद में मैं ये पनीर इसमें ऐड कर रहा हूँ, धनिया, थोड़ा सा धनिया रख लेंगे ऊपर गार्निशिंग के काम आएगा, ये 1 लेमन है मेरे पास. तो ये विटामिन सी से लोडेड है जो कि बहुत हेल्प करेगा हमें इस पोल्यूशन से डील करने में. तो इस पीस कर रहा हूँ मैं. ये डिश आप वैसे भी कभी भी बना सकते हैं, वेरी इजी टू मेक एंड वेरी हेल्दी, लोडेड विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स. इसके साथ में अब मैं इसमें 1 स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है मेरे पास, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ. जो हमने ये पीनट्स रखी थी, तो अराउंड 1 to 2 स्पून्स ऑफ पीनट्स. आप चाहें तो कोई और नट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी. इसके साथ में अब हम इसमें ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च और काला नमक इसमें ऐड कर रहा हूँ. एंड दैट्स इट, मिक्स इट वेल एंड आवर रेसिपी इज रेडी. सो ये हमारी परफेक्ट हेल्दी सैलड रेडी है.
जिसको आप चाहें तो ग्रीन टी के साथ या फिर वाइट वाइन के साथ इन्जॉय कर सकते हैं. सो एन्जॉय द हेल्दी रेसिपी और अपने आप को पॉल्यूशन से बचा के रखिए. टेक केयर, स्लीप वेल, एन्जॉय द हेल्दी रेसिपीज़.